सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। आज का पंचांग 3 जून 2023 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:17 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 6:16 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:55 से 10:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को पूर्णिमा व्रत और वट सावित्री पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सेहरा से 3 जून 2023 दिन शनिवार, आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी समय से अटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव भी पड़ेगा। आज के दिन आपके लिए कोई खास परिस्थितियां भी बना रहा है, इसीलिए मीडिया तथा संपर्क सूत्रों के माध्यम से नई नई जानकारियां मिलेगी। घर के वरिष्ठ लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहेगा। आप अपने आप को मानसिक रूप से बहुत अधिक स्वस्थ महसूस करेंगी। विवाद के कारण बड़ा काम बीच में ही रुक सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करें। अभी के समय में कोई निर्णय गलत होने की संभावना बन रही है जिसका असर आर्थिक स्थिति पर होगा। काम की जगह आए बदलाव के कारण काम से अधिक अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। लव रिलेशनशिप से जुड़ी समस्या जल्द ही दूर होगी। गर्मी बढ़ने की वजह से तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, किसी भी कार्य को आगे के लिए टालना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। उत्तेजित स्वभाव पर नियंत्रण रखें, धैर्य और शांति से कई समस्याएं सुलझ जाती है। कार्यों के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने का उचित समय है, इसीलिए प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी में आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। नजदीकी मित्र अथवा प्रियजन के साथ आनंद के क्षण बिताने का मौका मिलेगा। आपका करीबी दोस्त आज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। ये मौखिक नहीं बल्कि क्रियाकलापों के माध्यम से होगा। यह बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, ऐसी बातों के प्रति सचेत रहें। ये भी हो सकता है कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। तुरंत प्रतिबंध ना हो, यह एक मोह हो सकता है, इसीलिए और संकेतों की थोड़ी प्रतीक्षा करें। बात करते हैं करियर की। आज इस बात के जबरदस्त संकेत हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन कर सकती हैं या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकती हैं। हालांकि ये एक बहुत ही जोखिम काम लगे पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस चीज में समय लग सकता है पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक है। व्यवसाय गतिविधियों में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। नौकरी में अभी जैसी परिस्थितियां चल रही है उन्हें स्वीकार करें क्योंकि अभी किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। बात करते हैं सेहत की।
शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। आज आप कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें। इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसीलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रख कर केंद्रित रहें। आज का उपाय, आज अब सूर्यास्त के बाद पीपल की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।